तो वो पार्टी की कमान को संभालेगी। तो यहां पे एक प्लैंड मर्डर हुआ। इस मर्डर को जो है वो सलाह और मशवरे 2006 में शुरू हुए और मैं एनी शाहिद हूं और मैं कई दफा ये बात कर चुका हूं कि बिलावल हाउस लाहौर कैंट में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पार्लियामेंटेरियंस के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाओ और तमाम मेरे नजरियाती कारकुन सुन लें कि सबसे पहला मशवरा आसफ अली जरदारी ने बेनजीर को कत्ल करने के लिए मुझसे किया और उसने कहा कि शहजादा साहब आप अगर मेरा साथ दें और आप एक नजरियाती कारकुन हैं, पार्टी के कारकुन आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चरल विंग के सरबराह हैं, आप इंफॉर्मेशन को भी समझते हैं और आपका जो खानदान है वो एक अस्करी खानदान है, आप मुझे एस्टेब्लिशमेंट में भी इंट्रोड्यूस कराएं तो क्यों ना बेनजीर को रस्ते से हटा दिया जाए। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन जरदारी आसिफ, क्या तुमने बात की है कि मेरा मतलब है कि अब वो रिटायर हो जानी चाहिए। मैं कहा नो, ये रिटायरमेंट तक महदूद नहीं है आपका ये लफ्ज, मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद वही हुआ, ठीक एक साल के बाद एक मक्तल सजाया गया और लियाकत बाग के उस मैदान में एक गाड़ी को डीरूट किया गया, एक मोबाइल पे जो है उन्हें मजबूर किया गया कि वो सर बाहर निकालें और वहां पे उसी तरह से जैसे मुर्तजा के शूटर्स ने उन्हें शूट किया और बिल्कुल ये वकुआ। मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी रहा हूं, ये तफ्तीश आप मुझे दे दें, चार घंटे के बाद मुझसे आसफ अली जरदारी के गले में फंदा जो है वो मुझसे ले लें आप। ये मुझसे चूंकि पहला मशवरा किया गया, मैं कहता हूं कि मुझे 109 में चालान करें, मुझे मशवरे में चालान करें, जिस चालान में आपने भुट्टो साहब को फांसी दी, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूं, मैं वादा माफी नहीं लूंगा आपसे। मैं 109 में पहला मशवरा आसिफ अली जरदारी ने मुझसे किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रास्ते से हटाते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वो सबूत लेकिन कटहरे में खड़े होकर दूंगा और उसके बाद अदालत उसको तस्लीम करे या ना करे, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी, मेरी लीडर, उस एशिया की बेटी, वो मुस्लिम उम्मा की लीडर जो है वो उसका खून रायगा ना जाए और ये केस खुलना चाहिए। इसने 5 साल तक ये केस नहीं खोला क्योंकि कातिल वो खुद था, मर्डर प्लान्ड था। किसने सुपारी दी अकोड़ा खटक वालों को, किसने ये प्लान किया अमेरिका में, कहां पे इसकी प्लानिंग हुई, ये सब मैं जानता हूं, रहमान मलक भी जानता है, सबको पता है। नाहिद की जुबान पे भी ताले हैं, वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी, सफ्तरबासी की जुबान पे ताले हैं, मखदूम अमीन फहीम साहब दुनिया से चले गए हैं, खालिद शहनशाह इस मर्डर का जो है वो एक मोरा था जो बाद में नशे में धुत होकर बिलावल हाउस में कहता था कि मैं बेनजीर के कत्ल में क्यों शरीक हुआ, मैंने क्यों इनकी बात मानी। तो 2 दिन जब उसने ये बात की, तीसरे दिन वो बाहर निकला तो उसको बिलावल हाउस के बाहर कत्ल कर दिया गया। एक गवाह नहीं, कई गवाह कत्ल हुए, इनके अपने जो जरायम हैं, इनके अपने जो 460 कत्ल हैं उसमें आप देखें कि कितने लोगों को जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाया गया, कितने जज मारे गए, कितना कुछ हुआ।